इस संसार के अंदर सिखों के ग्रंथ के अंदर भी लिखा गया गुरु प्रसादी, इस शब्द का प्रयोग आता है। एक ओंकार, सतनाम, अकाल मूरत, निर्भय, तो गुरु प्रसादी कि परमात्मा जो होता है, नाम जो होता है, वो अनंत जो होता है, वो परम पुरुष जो होता है, पूर्ण पुरुष जो मिलता है, उस परमात्मा की जो कृपा बरसती है वो गुरु के कारण बरसती है। गुरु के बिना इस संसार के अंदर कोई जगाने वाला नहीं है। इस सोए हुए जीव को, सोई हुई आत्मा को कोई नहीं जगा सकता। जब शंकाएं पैदा होती हैं, आप काकभूषणी के जीवन को देख लीजिए, क्या हुआ उनके साथ। बहुत तपस्या की थी, साधना में रत थे, साधना चल रही थी, लेकिन गुरु का अपमान हुआ। मात्र इतना कि खड़े नहीं हुए, शिव के शिवलिंग के आगे बैठे रहे, और पता होते हुए भी कि गुरु आ चुके हैं, स्वयं शिव ने उनको श्राप दे दिया। लेकिन गुरु के कारण से जन्म देने को लगे, लोमेश ऋषि की कृपा से आज वो कौवे की योनि के अंदर होते हुए भी उन्होंने गरुड़ जैसे पक्षी को ज्ञान दिया, क्योंकि खग जाने खग ही की भाषा। उससे पहले वो मानव के चोले के अंदर थे, जब लोमेश ऋषि ने ज्ञान कराया था, अब भी वो वास करते हैं। और जो उन्होंने पाया वो स्मृति गई नहीं, सब की सब वस्तुएं, सब घटनाएं, लाखों जन्म उनको ज्यों के त्यों याद हैं। और ये बस उसी की कृपा है कि ऐसी योनि के अंदर होने के बाद भी इतनी कृपा, इतना सब होने के बाद भी जीव को कैसे जगाया, ये गुरु ही जानते हैं। कबीरदास जी ने तो गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए, पुकार पुकार करके कहा है। और लोग कहते हैं कि कबीरदास जी के कोई गुरु नहीं थे, वो पुकार पुकार करके कह रहे हैं कि गुरु ने मुझे मिला दिया। ये उन संतों का खेल है जिन्होंने अपने गुरु को पाया। दादू बैठे हुए थे, सभा लगी हुई थी, संगत बैठी हुई थी। दादू ने पूछा, क्या किसी ने संतों के दर्शन किए हैं? सब चुप बैठे हुए, हर रोज पूछते थे। एक दिन एक बुजुर्ग 100 वर्ष के करीब आयु खड़ा हुआ और उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने किए हैं महाराज, मैंने संतों के दर्शन किए हैं।
उन्होंने कहा कि किन संतों के दर्शन किए हैं। उन्होंने कहा मेरे परदादा कबीर जी के शिष्य थे, वो उनके पास जाते थे, तब मुझे साथ में उंगली पकड़ करके ले करके जाते थे, तब मैंने कबीर जी के दर्शन किए थे। उन्होंने कहा जल लेकर के आओ, इन आँखों ने कबीर जी के दर्शन किए हैं, संतों के दर्शन किए हैं। उन्होंने उनकी आँखें धोई और पी गए उस जल को। लोगों ने बोला अरे ये तो गृहस्थी बूढ़ा है, तुम क्या कर रहे हो, कहीं पगला तो नहीं गए। उन्होंने कहा इन आँखों ने संतों के दर्शन किए हैं, वो आँखें इतना लंबा समय हो गया, मुझे आज तक ऐसी आँखें दिखाई नहीं दी जिन्होंने संतों के दर्शन किए हों। कितनी ताकतवर भाव होगा वो, कितना प्रेम होगा जो उमड़ उमड़ करके आ रहा था, कि मात्र दर्शन करने वाले के जब इतनी कृपा होती है तो जिन्होंने संतों को पा लिया, जो संतों के वचनों के ऊपर चले, जो उनके शब्द के अंदर रहे, कितना महत्व होगा जीवन का।